आज हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। अब तक हमने जो इंटीग्रल पढ़ा था इनडेफिनेट था, यानी ये लिमिट यूज नहीं कर रहे थे। हम इंटीग्रल कर रहे थे एक्स क्यूब डीएक्स, तो एक्स क्यूब का क्या लिखा करते थे हम, एक्स 4/4 प्लस सी। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन कर रहे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है कि यदि कोई फंक्शन है हमारे पास में एफ एक्स, और उसका डेरिवेटिव एफ एक्स हो इस ए और बी लिमिट के बीच में, जहां पर एक्स जो है वो स्वतंत्र चर है जिसके ए और बी दो मान हैं, तो ए टू बी इस फंक्शन का इंटीग्रल ये एफ एक्स होगा। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, एफ एक्स ए टू बी, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां एक्स है वहां पर लिमिट बी रख दो तो एफ बी बना, माइनस जहां जहां एक्स है वहां लोअर लिमिट ए रख दो माइनस एफ ए। इसको हम ए से बी के बीच में निश्चित समाकलन कहते हैं, जहां पर ए इसकी लोअर लिमिट है और बी इसकी अपर लिमिट कहलाती है। जैसे ये एग्जाम्पल लें हम, कि अब तक अपन ने पढ़ा था इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स, तो उसी तरीके से इसको सोल्व कर लें कि एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स 4/4 प्लस सी लिखते थे, क्योंकि लिमिट इसमें दे रखा है लोअर और अपर 2 और 4, तो लिमिट अप्लाई कर दी हमने 2 से 4। तो यहां पर हमने क्या कहा था, वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 4 है, तो जहां जहां एक्स है वहां 4 रख दें, तो 4 की पावर 4/4 प्लस सी माइनस लोअर लिमिट, तो जहां जहां एक्स है वहां ये 2 रख दें, तो 2 की पावर 4/4 प्लस सी। तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां तो प्लस सी आएगा और ये माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 4/4 इज इक्वल टू ये, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ये इस इंटीग्रल की एक निश्चित वैल्यू आ गई। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आगे से ये जो सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये हम नहीं लिखा करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में सी कैंसिल हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल 2 को देखें, 0 से π/2 sin x dx/1 cos² ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सोल्व करते थे। तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, देन साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स तो बन जाएगा आपका माइनस डी टी और बटा 1 प्लस t². अब यहां पर वेरिएबल आपके पास में एक्स था, तो लिमिट 0 से π/2 एक्स के लिए कहला रही थी। यहां हमने वेरिएबल एक्स से किस में कन्वर्ट कर दिया, टी में। तो अब हमें ये जो लिमिट है नई टी के लिए डेवलप करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे जनरेट करेंगे हम, यहां पर लोअर लिमिट एक्स की 0 यहां पर यूज करें, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो टी के लिए लोअर लिमिट क्या हो गई, 1। तो जब एक्स 0 है तब टी 1 बन गया। अपर लिमिट जब एक्स π/2 है तब टी की वैल्यू क्या होगी, कोस एक्स की जगह π/2, कोस 90 0 होती है, तो अपर लिमिट टी की हो गई 0। तो अब हम लिमिट यूज कर लें, लोअर लिमिट 0 के करस्पॉन्डिंग 1 बनी थी और π/2 के करस्पॉन्डिंग 0 बनी थी, 1 to 0। अब एक आगे प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि अपर लिमिट को लोअर कर दें, लोअर को अपर कर दें, तो इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 0 to 1 ये माइनस का प्लस हो गया, dt/1 + t², और ये होता है टेन इनवर्स टी, तो टेन इनवर्स टी लिमिट अप्लाई कर दी 0 to 1, तो वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट यानी 1 रख दूं टी की जगह, तो टेन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 1 π/4 होता है, टेन इनवर्स 0 0 होता है, देन इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई π/4। हमारे पास प्रॉब्लम है 0 से π/2 कोस एक्स डी एक्स 1 + sin x 2 + sin x, यहां वही सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें काम में लेना पड़ेगा, देन पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी कोस एक्स डी एक्स डी टी, तो ये बन गया डी टी बटा 1 + t 2 + t, तो डी टी बटा 1 + t 2 + t। यहां लिमिट 0 से π/2 एक्स के लिए है, अब हमें टी के लिए नई लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो लोअर लिमिट एक्स की 0, यहां एक्स की जगह 0 रखेंगे, साइन 0 0 होता है, तो टी की लोअर लिमिट 0 हो गई, तो टी की लोअर लिमिट 0 हो गई। अब जब एक्स π/2 है, तब टी की वैल्यू, तो यहां पर π/2 sin 90 1 होता है, तो टी की अपर लिमिट 1 हो गई, तो टी की अपर लिमिट 1 जनरेट की, तो नई लिमिट टी के लिए 0 से 1 बन गई।
अब ये हम देख रहे हैं कि डी टी बटा वन प्लस टी टू प्लस टी, ये इंटीग्रल हमने पिछले इंटीग्रल के लेक्चर्स में पढ़ा था, पार्शियल फ्रैक्शन से आंशिक भिन्नों में बदल के करते हैं। तो आंशिक भिन्नों में कैसे बदलते थे, लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है, तो एक कांस्टेंट बटा एक गुणनखंड प्लस दूसरा कांस्टेंट बटा दूसरा गुणनखंड। ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा था कि 1 प्लस टी को 0 रखेंगे, टी बराबर माइनस 1, इसको छोड़ के टी बराबर माइनस 1 रख के ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 प्लस टी बराबर 0, तो टी बराबर माइनस 2, इसको छोड़ के माइनस 2 रख के, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो बी की वैल्यू माइनस 1, ए और बी की वैल्यू रख दी, इंटीग्रेट किया, तो डी टी बटा टी का लॉग टी और डी टी बटा टी लॉग टी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी, लिमिट 0 से 1, ये 0 से 1। तो अब हम अप्लाई कर दें लिमिट, अपर लिमिट यानी जहां जहां टी है वहां 1 रख देंगे, तो लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस वैल्यू ऑफ द लोअर लिमिट यानी लॉग जहां जहां टी है वहां 0 कर देंगे, तो 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0, तो लॉग 2 बाई 3 माइनस लॉग 1 बाई 2 लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। इस क्वेश्चन नंबर 4, 0 से इनफाइनाइट ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन हम सब्सटीट्यूशन मेथड पहले काम में लेंगे कि टेन इनवर्स एक्स को टी रखें, टेन इनवर्स एक्स को टी रखा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, तो ये तो बन जाएगा डी एक्स अपॉन ये जो है ये डी टी बना और ई की पावर टी। अब हमारे पास में लिमिट 0 से इन्फाइनाइट तो है एक्स की, और यहाँ वेरिएबल टी हो गया, तो टी के लिए नई लिमिट का जब एक्स 0 है तब टी इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट हुआ, हमने यहाँ टेन इनवर्स 0 0 होता है, और अपर लिमिट के लिए यहाँ इन्फाइनाइट तो टेन इनवर्स इन्फाइनाइट पाई बाई 2 होता है, तो टी की अपर लिमिट हो गई पाई बाई 2, तो नई लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2। ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी होता है 0 से पाई बाई 2, तो वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द लोअर लिमिट ई की घात 0 1 होता है, तो ई की घात पाई बाई 2 माइनस 1। 0 से पाई बाई 4 टेन स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करने के लिए इसको चेंज करते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो अलग कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स होता है, 1 का इंटीग्रल एक्स 0 से पाई बाई 4, देन वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट तो जहां जहां एक्स है वहां पाई बाई 4 रख दो, माइनस वैल्यू ऑफ द लोअर लिमिट जहां जहां एक्स है वहां 0 रख दो, तो टेन पाई बाई 4 1 होता है, ये पाई बाई 4 हो गया, टेन 0 0 होता ही, देन 4 एलसीएम ले लो, 4 माइनस पाई बाई 4। 0 टू 1 टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये हमने इनवर्स फंक्शन है अकेला है, तो वहां रूल पढ़ा था कि इकाई को सेकंड फंक्शन लेंगे, तो यहां पर हमने 1 ले लिया, इसको टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट और इसको सेकंड, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसको कर दें, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला था फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रल माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल। अब 0 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के इसको सोल्व कर लेंगे, और यहां पर इस इंटीग्रेट को करने के लिए इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन 2x होता, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इसका इंटीग्रल हो जाता है, तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1, तो वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द लोअर लिमिट अप्लाई कर दें और सोल्व कर लें।